कल रात को मेरा डिनर में कुछ ऑथेंटिक इटालियन खाने का मन कर रहा था, तो आई मेड सम अल्फ्रेडो सॉस, एकदम क्लासिकल अल्फ्रेडो सॉस विदाउट एनी एक्सपेरिमेंटेशन, विदाउट एनी इंडियन ट्विस्ट टू इट. तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि लेट्स शेयर सम क्लासिक पास्ता रेसिपीज विद यू ऑल. वेलकम टू द क्लासी फूडो फाइल्स किचन. आज मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ क्लासिक पास्ता सॉसेस की रेसिपीज. आई बी शेयरिंग अराबियाता सॉस, अल्फ्रेडो सॉस एंड क्लासिक पेस्टो सॉस. तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड फर्स्ट वील मेक अराबियाता सॉस. जो क्लासिक अराबियाता सॉस होती है वो टमेटोज से बनती है, तो आई सजेस्ट दैट यू गेट द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टमेटोज अवेलेबल अराउंड यू. अगर आपको ये शार्प नाइफ पसंद आए तो इसका लिंक हमने अटैच किया हुआ है अपनी वीडियो के साथ, यू कैन चेक दिस नाइफ अलॉन्ग विद अदर प्रोडक्ट्स. चलो जी, हमारी सॉस की प्रेप हो चुकी है, अब हम इसे कुक करते हैं. ओ, हर बार ये गैस नहीं चलती. चल रही, ठीक है. मैं यूज़ कर रही हूँ ऑलिव ऑयल, रेकमेंडेड भी ऑलिव ऑयल ही है अगर थोड़ा ऑथेंटिक टेस्ट चाहिए तो. बट हाँ, ऑलिव ऑयल थोड़ा ऐसे दिल से डालना. इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक, गार्लिक के बाद मैं डाल रही हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स एंड बेजल लीव्स. ये ऑलरेडी बहुत अच्छा स्मेल करने लग गया है बिकॉज ऑफ फ्रेश गार्लिक एंड बेजल. अब हम इसमें डाल रहे हैं अनियंस. अनियंस भी आप स्किप कर सकते हो इफ़ यू वॉन्ट इस स्वीट एंड टैंगी सी जस्ट टमेटो सॉस, बट अनियंस विल गिव इट अ नाइस स्पाइस टू इट, नाइस टच टू इट. चलो, हमारे प्याज सॉटे हो चुके हैं, अब इसमें मैं डाल रही हूँ टमेटोज. मैं इसमें फ्रेश टमेटोज और टमेटो प्यूरी दोनों यूज़ करूँगी, बट पहले हल्का सा टमेटोज को पका लूँगी. इसमें हम डालेंगे सॉल्ट एंड पेपर. अब इसमें हम सॉल्ट एंड पेपर डाल के ढक देंगे और इत्मीनान से पकने देंगे थोड़ी देर के लिए. टमेटोज हमारे पक चुके हैं, अब इसमें मैं थोड़ी सी टमेटो प्यूरी डाल रही हूँ. आप इस स्टेज पे इसको हैंड ब्लेंडर से थोड़ा सा प्योरे भी कर सकते हो, बट इफ़ यू लाइक चंकी सॉस देन इट्स ऑलमोस्ट रेडी. इसमें मैं थोड़ी सी चीनी डाल रही हूँ बिकॉज जो टमेटो प्यूरी और टमेटोज होते हैं थोड़े से खट्टे होते हैं, तो उसकी सारनेस को बैलेंस कर देगी चीनी एंड बहुत अच्छा सा स्वीट टैंगी फ्लेवर आएगा. ढक देंगे. हमारी सॉस ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो पास्ता बॉयल कर लेते हैं क्विकली. मेरा एक सिंपल सा रूल है पास्ता की क्वान्टिटी डिसाइड करने के लिए. अगर घर में चार बंदे हैं तो चार मुट्ठी पास्ता बॉयल होगा, अगर पांच हैं तो पांच. तो मतलब ऐसे कभी कभी होता है कि पास्ता कम रह गए या ज़्यादा रह गई, तो दिस रूल ऑलवेज वर्क्स फॉर मी, ट्राई इट फॉर योर सेल्फ. मैं चार बंदों के लिए बना रही हूँ क्योंकि हमने तीन तरह की पास्ता बनानी है आज. थोड़ी सी एक्स्ट्रा डाल देती हूँ. अब इसमें हम डालेंगे सॉल्ट. मुझे पता नहीं किसी इटालियन ने या फिर किसी फ्रेंड ने तो एक बार बताया था कि पास्ता में जितना भी सॉल्ट होना चाहिए ना वो बॉइलिंग के वक्त हमें डाल देना चाहिए, तभी वो अच्छे से टेस्ट करता है, नहीं तो ऊपर से आप डालोगे तो इट विल नॉट टेस्ट वेरी नाइस. थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी, ऑप्शनल, बिकॉज कई बार जब आप ऑयल नहीं डालते ना तो बहुत अच्छे से सॉस उसके ऊपर चढ़ जाती है जब आप सर्व करते हो. तो पास्ता बॉयल होने देते हैं. पास्ता हमारी बॉयल हो चुकी है, अब फटाफट प्लेट कर लेते हैं. चलो, एज यू कैन सी हमारी पास्ता सॉस ने तेल छोड़ दिया है, ये इंडिकेशन है कि सॉस अच्छे से पकी है. इसमें मैं फ्रेश बेजल लीव्स डाल रही हूँ एंड फाइनली वी आर रेडी टू सर्व. देखो, हमारी पास्ता बन चुकी है, इस पर हम डाल रहे हैं थोड़ा सा चीज़. चीज़ एकदम ऑप्शनल है अराबियाता के लिए, इफ़ यू लाइक चीज़ी अराबियाता सॉस यू कैन ऐड इट, नहीं तो मर्जी है. गाइस, ये पास्ता सही में बहुत अच्छी बनती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक कर देना
कमेंट भी कर देना, सब्सक्राइब भी करना और वो बेल आइकन दबाना मत भूलना और शेयर भी करना। टिल देन बाय। ओ हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गई, नेक्स्ट वीडियो में हम बना रहे हैं पेस्तो सॉस, फिर उसके बाद बनाएंगे अल्फ्रेडो सॉस, तो स्टे ट्यून्ड।